एलर्जी वाली मुझसे लड़ रही थी और वो आके मुझ पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं कि कल मैंने उनकी सब्ज़ी गिराई थी, ठेले से टकरा गया था। तो वो पैसे ऐंठने के चक्कर में और मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ। बेवकूफ़ नहीं, मतलब मुझे याद ही नहीं है वो इंसिडेंट, तो मैं सोचता हूँ शायद वो सच बोल रही है, मुझे याद नहीं है। क्योंकि आजकल मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि मैं चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा हूँ। नहीं, गजनी नहीं बोलेंगे इनके साथ, कुछ एक ऐसी बीमारी है कि कुछ इंसिडेंट इनको याद नहीं रहते हैं और कोई भी इमोशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे वो सैडनेस हो। तो और फिर कुछ कुछ इंसिडेंट उनको याद नहीं रह रहे हैं, तो गजनी में तो अलग था, कुछ उनको याद ही नहीं रहता था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं है, यहाँ लॉन्ग टर्म है। वो प्रेग्नेंट है ना, वो तो अब क्या है, फ्रूट्स लेने जाना पड़ेगा, सब्जी लेने जाना पड़ेगा, बीवी का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि बीवी के चक्कर में रोज ना कुछ तो कुछ होते ही रहेंगे। अगर बीवी के चक्कर में नहीं, वो बच्चे के चक्कर में, बीवी प्रेग्नेंट है ना, तो काम तो करना पड़ेगा घर का।